नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट्स की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। मॉडर्न ओलंपिक्स, एंशिएंट ओलंपिक्स और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, क्या कौन कौन सी गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं, सब डिस्कस करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एंशियंट ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी 776 BC में ओलंपिया से। एंशियंट ग्रीस की जितनी भी सिटी स्टेट थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी। आपस में उनके बीच में कंपटीशन किए जाते थे और ये सब वो उनके एक ईश्वर थे जियस, उसके ऑनर में, उनके ऑनर में हेल्ड किए जाते थे। फिर क्या हुआ, रोम ने टेक ओवर कर लिया और जब थियोडोसिस वन एक एम्परर थे, उन्होंने जब वहां पे आए 394 AD में, उन्होंने इसे स्टॉप कर दिया। किस लिए? अपना धर्म क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, क्योंकि ये जो गेम्स थी वो जियस गॉड के ऑनर में रखी जाती थी, तो अपनी क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए उन्होंने इन गेम्स को बंद कर दिया। 393 AD में जब ये गेम्स बंद हुई, उस गेम के बंद होने में और मॉडर्न ओलंपिक्स को रिटर्न होने में, दोबारा से शुरू होने में 1503 साल लगे। पियर दी कूबटन, ये एक फ्रेंच मैन थे जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से इंस्पायर थे, और 393 में जिस गेम्स को बंद कर दिया गया था उसी को शुरू करने का इन्होंने एक मुहिम शुरू की। एजुकेशन में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में काफी ये एक्टिव थे और इनका मानना था कि थ्रू स्पोर्ट्स हम इस दुनिया को एक पीसफुल जगह बना सकते हैं। इसी चीज को मन में रखते हुए 1894 में उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की शुरुआत की, जिसके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1896 से लेके 1925 तक। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस में खेला गया था। लेफ्ट में आप देख रहे होंगे पांच रिंग्स बनी है, ये ओलंपिक का फ्लैग है। पांचों रिंग्स अलग अलग रंगों की है। ये रंग सिंबलाइज करते हैं फाइव कॉन्टिनेंट्स को। तो ये फाइव कॉन्टिनेंट्स हैं: अफ्रीका, अमेरिकास, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओसेनिया। ये जो पांच रिंग हैं ओलंपिक्स की, ये कब आई और किसने इसे डिजाइन किया? ये रिंग फर्स्ट टाइम 1913 में एक लेटर लिखा गया था पियर दी कूबर्टन, जो फाउंडर है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के, उनके द्वारा। तो उस पे इन्होंने ये ड्राइंग बनाई फाइव रिंग्स की। ये पांचों रिंग्स अलग अलग रंग की हैं और इसमें से जो नीला रंग है वो यूरोप को दर्शाता है, येलो रंग एशिया, ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, ग्रीन फॉर ओशिनिया एंड रेड इज फॉर अमेरिका। 1881 में एक स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान डोमिनिकन प्रीस्ट ने, जिनका नाम था हेनरी डाइटन, एक मोटो दिया था, सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। इसी मोटो को मॉडर्न ओलंपिक्स गेम ने अपना लिया, क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक्स गेम कब शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी 1896 में। अब जो नया ओलंपिक मोटो है वो है सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस, कम्यूनिटर, कम्यूनिटर ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक्स की शुरुआत ही फ्लेम द्वारा की जाती है। इस फ्लेम को सबसे पहले एम्स्टरडाम में 1928 में जलाया गया था और ये ओलंपिक स्टेडियम को के ऊपर था, बिल्कुल जो स्टेडियम के टॉप का टावर था वहां पे इसे सजाया गया था। एनरी क्वेटा बिसिलियो एक मैक्सिकन स्प्रिंटर थी जिन्होंने 1968 में समर गेम्स में, समर ओलंपिक्स में मेक्सिको सिटी में इस फ्लेम को जलाया था और ये बन गई थी पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक फ्लेम को जलाया था। ओलंपिक फ्लैग सबसे पहली बार 1920 में देखा गया था जब गेम्स एंटवर्प में हो रही थी ओलंपिक्स की, और येट अगेन पियरे दी कूबर्टन जो है इन्होंने ही ये फ्लैग डिजाइन किया था। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो 14 कंट्रीज ने पहला ओलंपिक्स 1896 का खेला था, जिसमें ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन इंक्लूडेड है। तो 14 नेशंस थे, 241 एथलीट्स थे टोटल, और 43 इवेंट्स 1896 में खेले गए थे। लास्ट ओलंपिक्स में 206 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, 14 से 206, 11,420 पार्टिसिपेंट्स थे और 339 इवेंट्स हुए थे।
फर्स्ट एवर गोल्ड इन मॉडर्न ओलंपिक्स, इसे जीता था एक अमेरिकन ने जिसका नाम था जो जेम्स कैनोली। ट्रिपल जंप में इसे जीता गया था 6 अप्रैल 1896 में। और कैनोली ने जब इसे जीता था उस जंप को तब कहा जाता था हॉप स्किप जंप। सेकंड पोजीशन पे भी आए थे ये हाई जंप में और थर्ड लॉन्ग जंप में। ओलंपिक्स की शुरुआत 1896 में हुई थी और हर 4 साल बाद ओलंपिक्स खेला जाता है, हम सब जानते हैं। 3 बार ना 1896 के बाद आज तक 3 बार इसे कैंसिल किया गया है। पहला 1916 में क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 था, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 में 1940 में, 1944 में, दो समय 2 बार वर्ल्ड वॉर 2 में ये कैंसिल की गई है गेम्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने समर ओलंपिक गेम्स मैक्सिमम टाइम्स होस्ट की है, जिनमें से 1904 की, 1932 की, 1984 की और 1996 की ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने होस्ट करी है। इंडिया ने आज तक 10 गोल्ड मेडल्स लिए हैं ओलंपिक गेम्स में। इंडियन हॉकी टीम में जिन्होंने 8 8 बार, 10 में से 8 टाइम्स इंडियन हॉकी टीम ये मेडल लेकर आई है, 5 टाइम्स इन अ रो। 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 32 36 40 और 44 की जो है ओलंपिक गेम्स वो कैंसिल कर दी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। उसके बाद 1948 और 1952 में इंडियन हॉकी टीम हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और ये मेडल इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में जीता था। उस समय ये केवल 25 साल के थे। दूसरा ओलंपिक मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने इंडिया के लिए जीता था, ये जीता था इन्होंने जैवलिन थ्रो में। इंडिया की अचीवमेंट्स की बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए थे मेंस जैवलिन थ्रो में। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम कैटेगरी में विमेंस वेटलिफ्टिंग में। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में सिल्वर मेडल लेकर आए थे 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल मेंस रेसलिंग में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल विमेंस सिंगल बैडमिंटन। लवलीना जी ब्रॉन्ज मेडल विमेंस बॉक्सिंग में। बजरंग पुनिया जो कि एक रेसलर है ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में। मेन हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज लेकर लाई थी टोक्यो ओलंपिक्स में। ये लिस्ट है इंडिया की अचीवमेंट्स जो कि ओलंपिक्स में थी। टोटल फर्स्ट मेडल जो ओलंपिक्स में लेकर आए थे वो नॉर्मन प्रिचर्ड लेकर आए थे, इंडियन, ये एक ब्रिटिश इंडियन थे। और इन्होंने मेंस 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था। इंडिया ने टोटल 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं जिसमें से 8 हॉकी टीम ने और 2 जो है एक नीरज चोपड़ा जी ने और अभिनव बिंद्रा जी ने जीते हैं। टोटल 35 मेडल्स इंडिया लेकर आई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।